सो गाइस आज हम आए थे अपने नानी के यहाँ घूमने के लिए, थोड़ा काम वाम था तो चले आए थे। कुछ भी गो, यहाँ के खेतों का नज़ारा ही कुछ अलग है, देखने का काफ़ी मज़ा आया। यहाँ देखो हमारे भाई लोग लगे हुए हैं थोड़ा काम धाम में। यो बॉय तो बहुत बढ़िया है। हाँ सुड़ी देखो है, कच कच तो गाइस इसमें सुड़ी देखो कहाँ है, सुड़ी सुड़ी दिखाए, ये देखो सुड़ी अल्ट्रा अल्ट्रा जूम करो अल्ट्रा जूम, ये देखो रही, ये देखो देखी मिल गई दिख गई दिख गई। ये रही सुड़ी, तो इसमें सुड़ियाँ हो जाती है, इसके लिए दवा आती है और दवा लगानी पड़ती है। दवा खा लो इतना एक ना स्माइल जी हमारी नानी लगी काम में। देखो इतनी बड़ी दोपहर में लगी, दोपहर ही नहीं है हमारे लिए, वो भी दोपहर ही नहीं है। तो यार काम वाम तो काफी जोर शोर चल रहा है। तो गाइस एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे ना कुछ जानवर लोग मिले मुझे घास खाते हुए, घास है पालक है, देखो दिखा रहा हूँ अभी। ये देखो जानवर लोग लगे हुए। अच्छा तुम हो, हमें लगी भैंसी ठाड़ी, पता नहीं है ये पालक है, पालक खाने से पता क्या बढ़ता है। अच्छा लोग आयरन मैन बन जाते हैं, आयरन बढ़ता है शरीर के अंदर, जो आयरन कमी होती है पालक खाने से बढ़ती है। अच्छा मतलब जो आयरन है मतलब पालक है, पालक है ये, पालक खाओ और लोहा बढ़ाओ शरीर के अंदर, लोहा अंदर लोहा बढ़ा है, भिड़ मत जाना पता लग जाएगा। मतलब टन टन की आवाज है हमारे तो टन 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 ऐसी होगी, टन टन थ्री स्टार नहीं सही बता रहे हैं। देखो पालक खाओ या फिर जो चना की किल्ली वगैरह साग है वो खाओ, इससे ताकत बढ़ती है। आप भी खाएं भाई, कुछ भी खाओ और लोहा बढ़ा शरीर के अंदर, मजा आ रही है, मजा आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर हमारा काम दाम हो गया है और ये भाई लोग ऐसे ना जहाँ हम आते रहते हैं, यानी दीपांकर की मम्मा घर है मामा। और हम ये कह रहे थे, देखो बात ये है कि हम घर से निकले थे तो मैनपुरी जा रहे हैं क्योंकि इसकी इंटर है, तो कोचिंग वोचिंग देखने जा रहे हैं और बीच में रास्ते में कुचेला दीपांकर की मामा घर है और यहाँ पर सीलू था तो इसको लेते चलेंगे घर पे और मैनपुरी होते हुए घर पहुँचेंगे सीधा। भाई साहब क्वालिटी देख रहे बड़ी मस्त आ रही है। तो देखो आगे ब्लॉग जा रहे हैं और सामान पैक कर लिया हमने घर के लिए, तो चल रहे हैं मैनपुरी, मैनपुरी सीधा घर पे चलेंगे। ठीक है ओके ओके मिलते हैं फिर। मैनपुरी का हाल बहुत भीड़ है यहाँ पर, लो आए साहब लफड़ा हो गया है। हम लोग जा रहे हैं मैनपुरी जाने से घर पे, ट्रेन बीच में अटक गई, रुक गई। अरे यार ये तो गलत बात है, देख रहे हो कितनी भीड़ है भाई, भाई चल जा यार, बड़ा लफड़ा है तो उतनी देर से खड़े 10-15 मिनट से। और ट्रेन रुक गई, अंसल घर पे पहुँचेंगे यार, पता नहीं कब पहुँचेंगे। चल भाई चल चल। तो भाई साहब हम बता रहे हो कि मैनपुरी आएंगे तो हम आ चुके अंसल भाई घर पे और इनको हम बहुत टाइम से जानते हैं और ये एक तरीका से रिश्तेदार भी है। तो 2017 में इनसे मुलाकात हुई थी हमारी, गौतम भाई साथ में आए थे हम लोग, तो इनका स्टूडियो देखो दिखा रहे हैं। हमारे भाई भी लगे रहते मेहनत करने में, ये हमारे अंशु भाई अंशु साकिया टिप्स इनका चैनल है, देख रहे हो सेटअप वगैरह इन्हें मतलब इन्हें लगा रखा है। ओ भाई देख रहे हो डिस्प्ले ठीक है यार, बस लगे रहो, देखो लाइट वगैरह लगे रहो भाई, हम भी लगे बहुत टाइम से, चल नहीं रहा लेकिन लगे। हाँ बड़े तो भाई अब यहाँ आए इनसे मिलेंगे और थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद घर पे ही जाएंगे और क्या घर पे जाएंगे, और बीच में कुछ काम है ही नहीं, तो ठीक है मिलते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं भाई, हमारे भाई टिप्स देते हैं यूट्यूब के बारे में। बिल्कुल भाई आप लोग आ सकते हैं मिलने के लिए, हाँ दरबार खुला है आपके लिए, कोई भी चीज हो आलसु साकिया टिप्स पर जाए और इनसे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप, ये समझ लीजिए। तो ठीक है अगर जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो इनसे हम लेते फिर आपको बताएंगे ओके। तो भाई साहब अब मैं घर पे आ गया हूँ और घर से खेत पे, अभी खेत से ही हूँ देख रहे हो। तो हम लोग गए थे अचानक से गए थे, मतलब
इसलिए ब्लॉग को मैं मतलब जहाँ पे पहुँच गया था वहीं पे स्टार्ट किया था। तो दीपांकर की मम्मा घर पे थे तो वहाँ पे मतलब स्टार्ट कर दिया था हमने। तो हम लोग गए थे मैनपुरी, अभी दीपांकर की इंटर है तो सोच रहा है वो कि CBSE की कोचिंग केरल में ये मतलब पास में नहीं है तो मैनपुरी है, तो वहाँ से वो मतलब घर से अप डाउन करता रहेगा और कोचिंग लेता रहेगा जब तक के इंटर नहीं हो जाती तब तक। तो वहाँ पहुँच कर ही ब्लॉग स्टार्ट किया था और अब जो है घूम घाम के और अंशुल भाई के पास घूम घाम के घर पे आ गया हूँ। और खेत से ही हूँ, देखो प्याज भाई साहब ऐसा हो गया देख रहे हो। और इस साल प्याज का अच्छा भाव चल रहा है, ये हरी प्याज अगर बेच दूँ ना तो ये 30 रुपये किलो बिकेगा और इसका जो नीचे गंठा होता है वो अभी जा रहा है 40 रुपये किलो, मतलब थोक रेट में। और जो दुकानदार है वो तो 60-70 बेच रहे हैं, समझो ये प्याज की महंगाई है। और ये बताओ भाई टोपा कैसा लग रहा है हमारा? तो टोपा हमने इसलिए लगा लिया है कि भाई ऊपर से अभी शाम का टाइम है ना तो ओस पड़ती है, सर्दी लग जाती है यार जुकाम वगैरह, तो इसलिए लगा लिया है टोपा हमने, इसमें कोई शर्म नहीं है। तो भाई साहब मेथी का मद्दा हो गया थोड़ा, इसीलिए देख रहे हो। जमी भी यार दूर दूर है यार, भरने को है खेत, यार भर देंगे किसी दिन, पापा आ जाएं दो हजार खा के, अभी आए नहीं है, आज तो तीज हो गई है, आए नहीं अभी तक, शायद आज शाम तक आ जाएंगे, शाम तो हो ही गई है लेकिन आते ही हो गए वो। तो ये मेथी भरने लायक हो गई है और देखते हैं अगर इसमें कुछ मिलेगा नहीं तो इसे जुतवा करके कोई और फसल कर देंगे अगर भाव नहीं मिला तो। बाकी का खेत में, बाकी का ये भाई राम सुबह काटने आते हैं, डेली ब्लॉग में दिखाया नहीं है लेकिन हम काटने आते हैं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम अब न्यू वीडियो शूटिंग स्टार्ट करेंगे, दीपांकर कोचिंग जाएगा तो उस दौरान थोड़ा टाइम लेगा तो उस बीच में हम शूटिंग स्टार्ट कर लिया करेंगे। हमारे रोड माइक जो है वो रोड के माइक अभी यार सर्विस सेंटर भेजे थे दिल्ली, वो आया नहीं वापस, क्या बताएं अब दीपावली पड़ेगी ना अब तक तो आ जाते हैं। भाई साहब कुछ भी कहें रोड माइक वालों की एकदम A1 सर्विस है, बहुत अच्छी केयर करते अपने कस्टमर की और माइकों की भी। माइक वहाँ भेज दो, ख़राब अगर है तो नया आ जाएगा भाई साहब, ये नहीं कुछ मेरे पैर नहीं यार नया आता है, एक बार और भेजता तो हमारा जो रिसीवर है माइक है वो नया आया था भाई साहब, कुछ भी गए नया मिल जाता है बिल्कुल। तो रोड माइक के माइक कभी भी खरीदो वायरलेस गो सेकंड या फर्स्ट, मतलब एक माइक वाला सिंगल चैनल वाला या फिर डबल चैनल वाला, रोड के खरीदना पैसा वसूल है, महंगे हैं हालांकि 20-25 हज़ार के आते हैं और डबल चैनल वाला आता है 30-32 हज़ार का, लेकिन फुल भाई साहब फ़ायदा है उसमें। तो कभी भी खरीदो तो रोड के माइक ही खरीदो। हम अपने हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि हमें अब 1 साल की वारंटी थी, हमने उसमें एक्सटेंड कर ली, 2 साल की वारंटी होगी, अब बताओ 2 साल तक हम ऐसे चलाते रहेंगे फ्री में? तो कुछ भी कहें रोड के माइक तो बहुत बढ़िया होते हैं। और बाकी का यार हाथ में दर्द होने लगा, फ़ोन को पकड़े पकड़े दर्द होने लगा हाथ में। और क्या, और कुछ नहीं, बस वीडियो हम बहुत जल्द शूट करेंगे और बहुत जल्द टीम रेड पर आएगी और होली दिवाली जो भी थी हमारी रील वील देखते रहना, दिवाली पर भी हमने बनाई थी रीलें वीडियो। अरे यार पीर होने लगी है, किससे पकड़ू, चलो रहने दो। तो वीडियो बहुत जल्द आएगी टीम रेड पर और हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।